बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्ला फिज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। चैप्टर नंबर 13 आज हम स्टार्ट लेंगे। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का नाम है। करंट, करंट का लफ्जी मतलब होता है बहाव। इलेक्ट्रिसिटी को उर्दू में बिजली कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को पहले डिफाइन कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस इन मोशन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस का मोशन की हालत में, हरकत की हालत में मुतालिया करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रो डायनेमिक्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, डायनेमिक हरकत को शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की हरकत का मुतालिया। तो उसके साथ जो है दूसरी डेफिनेशन है करंट। करंट को हम कहते हैं बहाव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से मुराद है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। इससे मुराद इलेक्ट्रिक करंट ही है। चार्जेस के बहाव की शरह, यानी किस रेट से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसको हम जो है वो करंट कहते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वेक्टर क्यों नहीं है? बाद में पूछ लेता है वो, क्या कोई ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायरेक्शन भी हो और उसके बावजूद वो स्केलर हो? तो हम कहते हैं बिल्कुल हैं। जैसा कि हीट एनर्जी, हीट जो है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर या विच फ्लो फ्राम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टम्परेचर। हीट एनर्जी की एक किस्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है, ट्रांसफ़र होती है। किसकी वजह से? टम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। इसका फ्लो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। तो इसी तरह हीट एक स्केलर क्वान्टिटी है और करंट भी एक स्केलर क्वान्टिटी है। करंट किस तरह स्केलर है, हम किस बुनियाद पर इसको स्केलर कहते हैं, ये वेक्टर्स के एडिशन के जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये एक तार में से करंट आ रहा है 3 एम्पेयर और ये दूसरी तार है इसमें से करंट आ रहा है 4 एम्पेयर। अगर करंट को वेक्टर मान लिया जाए, ये 3 एम्पेयर और 4 एम्पेयर राइट एंगल पर हैं, तो ऐड कैसे करेंगे? 3 के हेड से 4 की टेल मिला देंगे। रिजल्टेंट पहले की टेल से दूसरे के हेड तक होगा और रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है कि ये हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ये देखें तो ये 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लें तो 5 एम्पेयर आ जाएगा। तो अगर करंट को वेक्टर माना जाता तो यहाँ पर इस दोनों तारों के मिलने से इस तार में करंट की वैल्यू होती 5 एम्पेयर, लेकिन प्रैक्टिकली ये 5 एम्पेयर नहीं होती, ये कितनी होती है? 7 एम्पेयर होती है। तो चूंकि करंट जो है वेक्टर्स के जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते, इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो उसके साथ ऐसे यूनिट ऑफ करंट एम्पेयर होता है। 1 एम्पेयर करंट कब होता है इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम करंट का फॉर्मूला लिखेंगे। करंट का फॉर्मूला, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक में चूंकि कैपिटल आई सिंबल यूज़ किया गया, तो इसलिए हम भी कैपिटल आई यूज़ कर रहे हैं। तो करंट बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब इसमें करंट का यूनिट एम्पेयर है ऐसे यूनिट, और करंट एक बेस क्वान्टिटी है, और चार्ज का यूनिट कूलम है और टाइम का यूनिट सेकेंड है। करंट 1 एम्पेयर कब होगा? एम्पेयर की डेफिनेशन सुनेंगे। When 1 coulomb charge passes through any cross section of a conductor in 1 second, then current is said to be 1 ampere. फर्ज करें ये एक तार का टुकड़ा है, कंडक्टर है। इस तार के टुकड़े में हमने इसका एक क्रॉस सेक्शन लिया, ये एक क्रॉस सेक्शन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, रेड कलर से मैंने शो किया। अब इसमें अगर 1 coulomb चार्ज इस क्रॉस सेक्शन में से पास करें, कितनी देर में? 1 सेकेंड में, तब हम कहते हैं कि करंट 1 एम्पेयर है। When 1 coulomb charge passes through any cross section of conductor in 1 second, then current is said to be 1 ampere. अब इसमें यहाँ पर 1 coulomb जो है उसकी वैल्यू है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने पढ़ा था कि इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलकर 1 coulomb बनता है। तो हम इस coulomb की जगह पर ये भी लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻¹⁸। करंट की एक डेफिनेशन एम्पेयर की ये भी बन सकती है, व्हेन 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स
pass through a conductor, pass through any cross section of a conductor in 1 second, then current is said to be 1 ampere. तो ये भी करंट की डेफिनेशन बन सकती है. तो ये मैंने बोल दिया है, लिखी नहीं है यहाँ पर, आप लोग कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, आप लोग लिख जाएंगे. अच्छा, अब चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के अंदर, मेटल कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनमें चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स कहते हैं ऐसे चार्जेस जो करंट के बहाव का सबब बनते हैं. तो कंडक्टर्स में करंट किन के फ्लो की वजह से पैदा होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. एक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस जिनमें करंट गुजर जाता है उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. जिस तरह डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है डाइल्यूट. तो खैर, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं. तो गैसेस के अंदर चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस. गैसेस में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स और आइंस की वजह से, सूटेबल कंडीशन में, हाई जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे और प्रेशर पे, गैसेस पे लिमिटेड पोर्शन में करंट फ्लो कर जाता है. तो अब उसमें करंट फ्लो करने के लिए जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और आइंस हैं. इस तरह सेमी कंडक्टर्स में हम चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ करंट, करंट की किस्में कितनी हैं? वैसे तो करंट की चार किस्में डिस्कस कर सकते हैं हम. कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट है. लेकिन इस चैप्टर में टॉपिक से रेलेवेंट देखें तो उसने यहाँ पर दो किस्में डिस्कस की हैं, दो अगले चैप्टर्स के अंदर उसने डिस्कस की हैं. तो हम यहाँ पर ये दो किस्में ही डिस्कस करेंगे, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट. कन्वेंशनल करंट क्या है? कन्वेंशन रवाज को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल है. पहले साइंसदानों का ये ख्याल था कि पॉजिटिव चार्जेस बजाते खुद मूव करते हैं और उनके मूव करने की वजह से करंट फ्लो करता है. पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल से किस तरफ फ्लो करते हैं? लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, और उनकी वजह से जो करंट पैदा होता है उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं. तो ये हमने कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन लिखी है. द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट. ऐसा करंट जो पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से पैदा हो उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं. इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ बहता है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है, फ्लो करता है. या हायर पोटेंशियल से आप कहेंगे लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. लेकिन फिर बाद में एक्सपेरिमेंट्स ने ये साबित किया कि फिजिकली पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. तो इसलिए हम करंट की डायरेक्शन को तो हमने फिर पॉजिटिव चार्जेस के लिहाज से ही रखा, क्योंकि बहुत सारे लॉस जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन की बेस पे बनाए जा चुके थे. तो उन सारे लॉस को बदलना मुश्किल था. तो इसलिए करंट की डायरेक्शन अभी भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव ही लेते हैं. अगर आपको कभी कहा जाए करंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है और कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक का ना बताया जाए, तो आपने जहन में रखना है कि आपने ये कन्वेंशन, ये आपने रवाज अडॉप्ट करना है कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होती है. अच्छा, अब बाद में साइंटिस्ट को ये पता चला कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. मैंने समझाने के लिए यहाँ पर एक ये डायग्राम ड्रॉ की है. इलेक्ट्रॉन जहाँ पर खाली जगह छोड़ता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, होल कहते हैं. तो ये देखें, ये फर्ज करें ये रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर ये वाला रेड कलर का डॉट जिसे मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, ये इस खाली जगह को पुर कर देगा, फिल कर देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज हम कहेंगे यहाँ पर शिफ्ट हो गया. अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा इस जगह पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा. ये वाला इलेक्ट्रॉन जब जंप करके इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, होल भी कहते हैं. तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड पे जा रहे हैं तो उनके होल्स अपोजिट साइड पे जा रहे हैं. अच्छा, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई तो आप एक और एग्जांपल ले लें. फर्ज करें ये एक खाली चेयर है, आप क्लासरूम में बैठे हैं, ये खाली चेयर है और ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 चेयर्स फिल हैं, 5 बच्चे इनके ऊपर बैठे हैं, ये वाली खाली चेयर है. अगर यहाँ पर बैठा हुआ बच्चा, स्टूडेंट जो है, वो उठ कर यहाँ पर आएगा तो खाली जगह इधर शिफ्ट हो जाएगी. खाली जगह को मूव नहीं करवाना पड़ेगा, वो तो खुद ब खुद उधर शिफ्ट हो जाएगी. एक्चुअल मूवमेंट तो स्टूडेंट ने की है,
तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। अच्छा, अगर इधर वाला स्टूडेंट उठकर इस चेयर पे अगर बैठ जाए तो खाली जगह इधर आ जाएगी, ये स्टूडेंट उठकर इधर आ जाए तो खाली जगह इधर चली जाएगी, अगर ये स्टूडेंट उठकर चेयर से इस चेयर पे आ जाए खाली जगह इधर चली जाएगी। यानी स्टूडेंट्स इस तरफ जा रहे हैं और जो खाली चेयर है उसकी पोजीशन इस तरफ जा रही है। तो इसी तरह जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट हम ले लेते हैं, कन्वेंशन है, ये रवाज बन चुका है कि हम कहते हैं कि उसके अपोजिट फ्लो कर रहे हैं। तो एक्चुअल मूवमेंट पॉजिटिव चार्जेस की नहीं होती फिजिकली, वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अच्छा, अब यही सेल है, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन शो की है, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन थी और अब ये इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसका उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है और ये रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। ये कंडक्टर में से इधर से ये पॉजिटिव टर्मिनल इनको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की वजह से फ्लो करता है और इसकी डायरेक्शन लोअर यानी नेगेटिव पोटेंशियल से किस जानिब होती है, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। ये हमने डेफिनेशन लिखी है, द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव और लोअर टू पॉजिटिव और हायर पोटेंशियल। ये नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। अच्छा, अब करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर, एक धाती कंडक्टर है, मेटल का एक कंडक्टर है, उसमें करंट कैसे फ्लो करता है। फर्ज करें ये एक तार का टुकड़ा है, इस तार के टुकड़े में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने रेड कलर से शो किए हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनका मोशन रैंडम है, बिल्कुल इसी तरह जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव कर रहे हैं। रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब, कोई इधर जा रहा है, 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 कोई सीक्वेंस नहीं है इनमें, कोई तरतीब नहीं है। अच्छा, ये क्रॉस सेक्शन हमने एक ले लिया, फर्ज करें ये एक इस कंडक्टर का हमने क्रॉस सेक्शन लिया जिसमें हमने देखना है करंट कितना फ्लो करता है। ऑन द एवरेज जितने करंट थर्मल मोशन की वजह से यानी टेम्परेचर से यानी हीट से एनर्जी लेकर हरारती एनर्जी की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एवरेज इस साइड पे जा रहे हैं राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, आप जिस तरह बैठे हैं ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ऑन द एवरेज लेफ्ट से राइट की तरफ भी उतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन में जो नेट फ्लो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, हम कहेंगे करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर इस तार के टुकड़े में करंट फ्लो कर रहा होता तो भाई एक तार का टुकड़ा पड़ा हो उसको हाथ लगाएंगे, आप जस्ट उसको छुएंगे तो आपको करंट फील होगा, या आप एम्पेयर मीटर लगाएंगे तो वो करंट को मेजर करेगा, लेकिन आपका और हम सब का ये एक जो है वो नॉर्मल हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, हमारे एक जो है वो मुशाहिदा है कि जब एक तार का टुकड़ा आइसोलेटेडली पड़ा होता है तो उसमें कोई करंट नहीं होता, अगर हम उसको पकड़ के देखें तो हम करंट फील नहीं करते, पोटेंशियल डिफरेंस को फील नहीं करते। खैर, जब इसी कंडक्टर के साथ हमने बैटरी अटैच कर दी, ये देखें इस कंडक्टर के साथ हमने बैटरी अटैच की, अब बैटरी का यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके कंडक्टर के हर पॉइंट में सेटअप होगी और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये नेगेटिव ही यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन है। अच्छा, यहाँ पर मैंने समझाया आपको, फर्ज करें ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ये नेगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ को फ्लो करेंगे, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव ई की डायरेक्शन में। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी जहन में रखिएगा, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाता है तो वो नेगेटिव ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, और उसके बरक्स जब किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाता है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल करता है इस पॉजिटिव चार्ज को और ये नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इस तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। हम ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करते हैं, वजह मैंने बता दी, इधर रिपल्शन इधर अट्रैक्शन,
और पॉजिटिव चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं अगर हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें। तो यहाँ पर ये मैंने दिखाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, इनको ये नेगेटिव पोटेंशियल रिपेल कर रहा है और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इधर। अब पहले तो ये था कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे उतने ही इधर जा रहे थे, जिसकी वजह से नेट फ्लो जीरो था, करंट जीरो था। लेकिन अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एवरेज इस तरफ ही फ्लो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव पोटेंशियल इनको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे और इनका एक नेट फ्लो शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इस तार के टुकड़े में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस तरफ हो रही है, नेगेटिव ई की जानिब हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो रही है। और करंट की डायरेक्शन किधर लेते हैं, करंट की डायरेक्शन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ ली जाती है। जब करंट का बताया ना हो, ये कन्वेंशन है, कन्वेंशनल है या इलेक्ट्रॉनिक है, तो याद रखिएगा वो कन्वेंशनल ही होता है। अंडरस्टूड है ये? अच्छा, वेलोसिटी, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बैटरी नहीं लगाई थी, तो थर्मल मोशन की वजह से, यहाँ पर थर्मल लिखना था, ड्यू टू देयर थर्मल मोशन, तो इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल मोशन की वजह से जो वेलोसिटी होती है वो 10^4 से 10^5 मीटर पर सेकेंड तक होती है, यानी सैकड़ों मीटर पर सेकेंड तक होती है। आपकी बुक में ये लिखा सेवरल हंड्रेड्स जो है वो किलोमीटर पर सेकेंड, कई सौ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो बहरहाल यहाँ पर किलोमीटर भी आ जाएगा, सेवरल हंड्रेड किलोमीटर्स पर सेकेंड्स की रेंज में वो होती है वेलोसिटी, यहाँ के भी आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जब हम कंडक्टर के दोनों एंड्स पर बैटरी लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हासिल कर लेते हैं, एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, मैं एवरेज यूनिफॉर्म क्यों कह रहा हूँ, ये देखिएगा, देखें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो, उनकी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट करें ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं क्यों कह रहा हूँ, अकेला यूनिफॉर्म क्यों नहीं कह रहा, मैं इसलिए अकेला यूनिफॉर्म नहीं कह रहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आगे इसके कोई एटम आ गया तो उससे टकराएगा, स्लो हो जाएगा, फिर फास्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फिर आगे कहीं से टकरा कर स्लो हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी इसकी वो यूनिफॉर्म ही रहेगी। स्लो और फास्ट का अगर एवरेज लेंगे तो एवरेज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए हम कहते हैं एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हासिल कर लेते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और इसकी वैल्यू महज 10^-3 मीटर पर सेकेंड तक होती है या 1 मिलीमीटर पर सेकेंड तक होती है। अब जेन में ये क्वेश्चन आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी तो 10^4 to 5 मीटर पर सेकंड तक थी, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जब बैटरी लगा दी तो इतनी कम क्यों होगी, तो भई हम एवरेज ले रहे हैं, तो बाद हुआ तो बहुत तेज स्पीड और बाद हुआ किसी एटम इलेक्ट्रॉन से टकरा कर बहुत स्लो स्पीड। अब एक बच्चा है उसके एक सब्जेक्ट के अंदर 100 मार्क्स हैं और दूसरे के अंदर 0 हैं, एवरेज ले लें दोनों का, 100+0/2 तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अच्छा, एक में 100 है और दो में 0 हैं, 100+0+0/3 33% आ जाएंगे। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, कि कभी इलेक्ट्रॉन तेज़ मूव कर रहा होता है, कभी किसी से टकरा कर स्लो हो रहा है, कभी तेज़ कभी स्लो, लेकिन अगर उसकी एवरेज वैल्यू लें उसकी वेलोसिटी की तो वो यूनिफॉर्म ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये बुक में नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का J/NE, J क्या है, करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में से कितना करंट गुजरा उसको करंट डेंसिटी कहते हैं, J करंट डेंसिटी है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी एक कंडक्टर में हो सकते हैं, और E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसके साथ है J की जगह पर हम लिख सकते हैं I/A, क्योंकि मैंने बताया J I/A के बराबर, तो ये बन जाएगा I/A/N(E), यानी I/A/NE, तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी कंडक्टर का बढ़ाते रहेंगे, यानी मोटी तार इस्तेमाल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी
उतना करंट भी ज़्यादा हो जाएगा, और उसके लिहाज से हम कहेंगे कि इनका फ्लो जो है वो सेम रहेगा। बहरहाल ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अगर करंट के सेम रहते हुए जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएं तो हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और इसके साथ है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी। स्टेडी करंट क्या होता है? यूनिफॉर्म करंट। जब किसी तार के दोनों सिरों पे, दोनों एंड्स पे हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस वायर में से गुजरने वाला करंट यूनिफॉर्म हो जाता है, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होती, चेंज नहीं होती वक्त के साथ, उसको स्टेडी करंट कहते हैं। व्हेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर देन यूनिफॉर्म करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर व्हिच इज कॉल्ड स्टेडी करंट। इट इज़ अ डीसी टाइप करंट। ये डायरेक्ट करंट की एक किस्म है। इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम। इसकी वैल्यू वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं होती, तो ये स्टेडी करंट है। स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 0334-7317948। और इस वीडियो को अगर खानपुर सिटी के अलावा दूसरे सिटीज़ से कोई बच्चे जो है वो देख रहे हैं तो वो अपने सिटीज़ का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।